ये बताओ इस पे क्या लिखा है? 69, 96. मोना ने कहा 69 और लीजा ने कहा 96. तो तुम दोनों अलग अलग शख्सियत हो. एक तरफ से 69, एक तरफ से 96. हम एक है. अच्छा तो ये बताओ ये कौन सा रंग है? लाल. हरा. मोना ने कहा लाल और लीजा ने कहा हरा. हाँ तुम दोनों अलग अलग शख्सियत हो. हम एक हैं, एक तरफ से हरा एक तरफ से लाल. कफाक है कफाक है. हमको कोई चपक पर सफेद कफाक है. हमको कोई कफाक फलक है. तुमसे पूछूंगा कि तुम क्या चाहते हो और ना तुम मुझसे पूछोगे कि मैं क्या चाहता हूं. इतनी तो जरूरत ही नहीं है. तुम एक दूसरे की तमन्ना थे. भले वक्तों में ऐसे मौकों पर ड्यूल की दावत दी जाती थी. एक उम्मीदवार को महबूबा मिलती थी और दूसरे को मौत. मैं तेरी तरफ से हर चैलेंज नु कबूल करता हूं. तो फिर चैलेंज तुम्हारे सामने है. मैडम के दिमाग में क्या ख्यालात हैं ये राज अब फाश होने वाला है. जानता हूं. तो फिर ये भी जानते होगे कि मैडम के दिमाग में और उसके ख्यालात में कौन बसा रहता है दिन रात. ये तो अब सारी दुनिया जान लेगी. दुनिया तो जान ही लेगी मिस्टर मोतियांवाला और नताइज को तस्लीम भी कर लेगी. लेकिन क्या तुम हकीकत को तस्लीम कर लोगे? ये सवाल तुम अपने दिल से करके देखो. मैं तो तस्लीम कर चुका हूं और हकीकत को मान भी लूंगा. अगर मेरे अलावा मैडम के दिल में कोई और हुआ तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा. तो मेरा भी मरता वाला कॉल है. अगर मैडम के दिल में मेरे सिवा कोई होर होवेगा तब मैं दुनिया ही छोड़ देंगा. अगर मर्द हो तो इस बात पे कायम रहना. तुम अपनी फिक्र करो. मैं तो कायम हूं. मैं भी कायम हूं. नफ्सियाती तजिया जो तकरीबन मुकम्मल हो गया है अब आप कब आएंगे अपनी साइकोपेक्टोग्राफी करवाने? जब आप कहें. वैसे लड़कियों के बारे में आपने क्या पता चलाया है? ये लड़कियां एक दूसरे के साथ अफ्रीकी जुबान में गुफ्तगू करती हैं. मैंने बड़ी रिसर्च के बाद ये अंदाजा लगाया है कि जनूब मशरकी अफ्रीका और मदगास्कर के वैशी कबाइल अभी तक ये जुबान इस्तेमाल करते हैं. सवाल यह है कि इन लड़कियों के कलेक्टिव अनकॉन्शियस में क्या इनके एंसेस्टर्स का ताल्लुक अफ्रीका से है? जी इनकी अम्मी तंजानिया में रहती हैं. हाँ, यौरिका.
यारी का। गोया मैंने मसले की जड़ पकड़ ली है। मैं सुबह से बोर हो रही हूँ। वो तो ड्राइविंग सीखने गई हुई है। चलो तुम भी अपने घर चलो, शाबाश। हम लोग इस वक्त एक जरूरी बात कर रहे हैं। ये टेप सुनिए आप। ये जनूब मशरक की अफ्रीका के कबाइल की जुबान है। अब आप अपनी भतीजियों की बात सुनिए। ये फिर डिफाक्टफर पुफा गफल है। ये फिर डिफाक्टफर तो पुफा गफल। ये बिल्कुल जनूब मशरकी अफ्रीका के कबाइल से मिलती हुई बोली है। ये तो फेकी बोली है। फेकी बोली? तुम जानते हो फेकी बोली? इसके माँ बाप साउथ अफ्रीका में रहते? जी नहीं, ये तो हम साई में रहता है। तो फिर बताओ ये क्या कह रही है। ये तो कह रही है डॉक्टर तो पागल है। है? Just a dream. Dream? Yani ख्वाब? You mean सपना? हाँ, dream यानी ख्वाब, I mean सपना। लेकिन ये कोई मामूली ख्वाब नहीं था। It was a nightmare. लेकिन nightmare तो night के वक्त आना चाहिए, दिन को कैसे आ गया? हाँ आंटी, nightmare तो night के वक्त आना चाहिए, दिन को कैसे आ गया? यही सोचकर तो मैं भी परेशान हो रही हूँ। जागती आँखों के सपने बहुत परेशान करते हैं मैडम, इनसे बच के रहना चाहिए। जागता हुआ आदमी ख्वाब देख सकता है? नहीं बीबी, लेकिन जागती हुई औरत ख्वाब देख सकती है। ड्रामा है वरी, सब ड्रामा है। ये सपना मैंने जागते नहीं देखा, मैं सो रही थी। वाजिया रहे के देखना सांप का बराबर है देखने दुश्मन के। आपने इतना साफ तौर पर लिख दिया उन्होंने कि आपने ख्वाब में दुश्मन देखे है। जरा फिर से तो पढ़िए। वाजिया रहे के देखना सांप का बराबर है देखने दुश्मन के। ये के क्या होता है? ये के क्या होता है? के2, के3, के3, जामनी, कामनी, मोहनी, टोनी, दोहनी, सोनी, बोहनी, कोनी। स्टॉप इट गर्ल्स। हाँ तो आप मेरे ख्वाब की ताबीर बता रहे। ओहो, बताता रहा था, कुछ सुने था? हम सुन रहे है ना। खाबा की तबीर पा इस किताब ते चंगी किताब आज तक नहीं लिखी गई। 1905 में लिखी गई यो किताब और दुनिया की 50 जबाना में इसका तर्जमा होया। आप मेरे ख्वाब की तबीर तो बताइए ना। वाजिया रहे के देखना सांप का बराबर है देखने दुश्मन के। प्लीज मोना लिजा। पहला फालतू लोगों नु भजाओ रहे थे, फिर पढ़ांगा आगे मैं। चलो मोना लिजा, किचन में जाओ, हैदर के साथ बुलबुले बनाओ। अब नहीं हंसेंगे आंटी। अब नहीं हंसेंगे आंटी। फुड़क होगी चुप। वाजे रहे के देखना सांप का बराबर है देखने दुश्मन के। बात सारी यू है मैडम, आपने उस डरावने ख्वाब में बशीर मिसबिल नु देखे है। बशीर बिस्मिल? ओ जी हाँ मैडम, यो सप बशीर बिस्मिल ते सिवा और हो कौन सकता है। साईं पीर बख्श मोतिया वाले ने आपको सांप करार दिया है। हाँ, उसने अपनी जान बचाने के लिए मुद्दा मुझ पर डाल दिया है। उसकी जान को क्या खतरा है? सांप की जान को हमेशा लाठी से खतरा होता है। मुझे यकीन है कि मैडम ने अपने डरावने ख्वाब में पीर बख्श मोतिया वाले का मनहूस चेहरा देखा है।
हेलो बिस्मिल हेयर। अच्छा मैडम ये बताइए कि आज दोपहर जिस डरावने ख्वाब का आपने जिक्र किया था उसकी कुछ तफसील याद आई आपको? हाँ हाँ, जिसमें आपने सांप के बारे में बताया था। क्या वो सांप नहीं था? तो फिर क्या था? नाग भी तो वही होता है। अब जरा याद कीजिएगा कि उस नाग या सांप की शक्ल पीरबख्श मोतियों वाले से तो नहीं मिलती। मुलाकात पे बताएंगे। कब हो रही है मुलाकात? पक्की बात? ओके, टेक केयर, बाय। साईं भला मेरे को इजाजत है, मैं चलूं फिर? हाँ, अपनी मर्जी से आए थे, अपनी मर्जी से चले जाना। लेकिन साईं वो आपकी बख्शी हुई मोटरसाइकिल मेरी मर्जी से नहीं चलती है, वो पेट्रोल से चलती है। ठीक है, उसमें डलवाओ ना पेट्रोल। मैंने कल ही तो तुम्हें 250 रुपए दिए। साईं सोचो तो सही, पेट्रोल भला कितना महंगा हो गया है। ड्रामा है वरी, सब ड्रामा है। मगर मैं अब तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। एक तो मोटरसाइकिल लेके दी है, ऊपर से पेट्रोल भी मैं ही डलवाऊ। साईं डॉक्टर साहब, ये तस्वीर है उस आदमी की, इसको जरा अपने पास संभाल के रखना है। ये लो, गुम नहीं हो जाए, देखो इसको है। दूसरी बात ये डॉक्टर साहब, आपको तो पता ही है कि पेट्रोल जो है वो कितना महंगा हो गया है। पेट्रोल महंगा हो गया है तो 10 रुपए और रख लो। अब 360 से ज्यादा मैं इस तस्वीर के लिए नहीं दूंगा। साईं डॉक्टर साहब, पैसे जो है इस तस्वीर के नहीं है, पैसे हैं राजदारी के, राजदारी के। अच्छा तो भाई ये 50 रुपए और ले लो, अब तो खुश हो। असली खुशी तो तब होगी जिस वक्त मैडम के दिमागी एक्सरे में से ये वाली तस्वीर निकलेगी। भाई बिल्कुल यही तस्वीर निकलेगी। तो ये बताओ, जब मोतिया वाले का दिमाग की तजिया किया था तो क्या निकला था, और जब मोनालिसा की साइकोपिक्टोग्राफी की थी तो क्या बरामद हुआ था? वही तस्वीर है जो मैंने आपको ला के दी थी। तो नतीजा अब भी वही निकलेगा जो पहले से हम तय कर लेंगे। फिर मुझे मेरी फीस मिलेगी, तुम्हें तुम्हारी कमीशन, और मरीजों को उनकी मर्जी का एनालिसिस। देखिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स मेरा फील्ड नहीं है। वैसे भी सांप की फ्राइडियन तो जी इतनी क्या कहना चाहिए कि इतनी पेचीदा होती है कि शायद रेडियो पर बयान ना हो सके। बहरहाल डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि ऐसे ख्वाबों की अमूमी वजूहात क्या होती हैं और इनसे महफूज रहने का क्या कोई तरीका है? इस तरह के ख्वाबों की मेन वजह जो है तो वो फ्रस्ट्रेशन है और टेंशन है, और टेंशन दूर करने की वर्जिश हम पहले भी बता चुके हैं। अगर किसी ने ना सुनी हो तो वो प्लीज नोट कर ले। हाँ हेलो, स्पोर्ट्स सप्लाईज, सलाम अलैकुम जी, आपके पास एक्सरसाइज करने की मशीन है? सलाम मैडम जी। वालेकुम सलाम, ये वैन पर तुम आयो? हाँ जी, बिस्मिल साहब ने स्पेशल राशन भेजा है। राशन? मेरा मतलब है कि वर्जिश की मशीन भेजी है जी। अच्छा अच्छा, और क्या रिपोर्ट है जी? आज की ताजा खबर ये है कि नॉर्वे से बिस्मिल साहब को किसी औरत का फोन आया था। नॉर्वे से? हाँ जी, पूरा 1 घंटा बातें होती रही हैं। क्या बातें? बातें तो नहीं जी मैंने सुनी। तो फिर क्या फायदा, वो मशीन उठा के कमरे में रखवा दो। अब जब नॉर्वे से फोन आएगा ना जी, तो मैं गौर से सुनूंगा, तो मैं चलूं जी अब? हाँ, वो मशीन अंदर रखवा कर जाना। अच्छा जी। ये लो 50 रुपए। बस जी, 50 का नोट? ये तो आधा राशन भी नहीं है जी। तो जब पूरी खबर लाओगे तो पूरा राशन मिलेगा। दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में। भूले बिसरे नगमों का ये प्रोग्राम आप ओल्डी गोल्डी ज्वेलर्स के तावन से सुन रहे हैं। क्लासिक डिजाइनों में अपनी पसंद के झूमर, टीके और झुमके बनवाने के लिए ओल्डी गोल्डी से बेहतर और कोई मकाम नहीं। आप भी अपनी पसंद का कोई पुराना गीत सुनना चाहें तो
फरमाइश नोट करवा सकते हैं। हमारा नंबर है 0800-333-222-107। शुक्र है आज तुम भी वक्त पर पहुंचे। 3 दिन से तुम्हारा प्रोग्राम भी मैं ही कर रही हूँ। क्या यानी आज भी तुम फल्लू मारना चाहते हो? कहा ना सिर्फ आज का दिन। ये तो तुम कई दिन से कह रहे हो। मुझे कौन सा ओवरटाइम मिलता है जो मैं डबल ड्यूटी करूं? एक्चुअली आज मोना लीजा की आंटी से बहुत जरूरी बात करनी है। या तुम समझाओ ना इसे, कनाडा में तो लड़कियां फौरन मान जाती हैं। ये है कि जिद पे अड़ी हुई है। कनाडा जाके मैं भी जिद नहीं करूंगी, लेकिन ये कनाडा नहीं है। तुम्हारा कोई चांस नहीं है टोरंटो जाके सेटल होने का। वहां तो लड़कियां कितना कॉपरेट करती हैं, और ये जरा भी दावू नहीं कर रही। क्यों भाई, जहां तुमने इतने दिन डबल ड्यूटी की है वहां एक दिन और कर लो अपने बेचारे शहरी की खातिर। ठीक है, कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन शहरी की खातिर नहीं, तुम्हारी खातिर। अच्छा बाबा, इसी की खातिर। अब चलो, इसका मूड बदल गया, सारा प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। चलो। जब चांदनी रातों में तूने आंटी, बात बिल्कुल सीधी सी है। आपकी टेंशन का सबब सिर्फ और सिर्फ ये मोनालिजा है। उन्हीं की वजह से आपकी तबीयत घुटी घुटी सी रहती है और ऐसे ख्वाब आते हैं। मोनालिजा का इलाज जितनी जल्दी हो सके आपके लिए उतना ही बेहतर है, और मुनासिब होगा कि आप उनका इलाज अलग अलग डॉक्टरों से करवाएं। दुनिया का कोई डॉक्टर इनका इलाज नहीं कर सकता। अब तुम भी तो डॉक्टर हो ना, कि तुम्हारी मौसीकी से सेहतमंद हो गई हैं। मोनालिजा का केस जरा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपके मसले का हल मैंने तलाश कर लिया। वो क्या? अगरचे आपने सांप महज ख्वाब में देखा था, लेकिन इसे जो टेंशन पैदा हुई वो तो जागते हुए हुई ना। तो इसका इलाज भी आपकी देखती आंखों और सुनते कानों के सामने होगा, यानी आलम बेदारी में। यार मुख्तसर बात किया करो। एक्चुअली आंटी, डॉक्टर तानसेन ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको मधुर सुरों में बीन सुनवाई जाए तो सांप के ख्वाब से पैदा होने वाली सारी टेंशन जायल हो जाएगी। बीन? यानी सपेरे वाली बीन? कहां से आएगी वो बीन? वो तो हम अपने साथ लाए हैं। डॉक्टर तानसेन, गुड लक। आंटी, अगरचे सांप का बीन से तो कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन सांप का ताल्लुक माइथोलॉजी से जरूर है, और सांपों का भी। आपको खांसी लगी हुई है? मुझे भी खांसी लगी हुई थी, अब ठीक हो गई है। मुझे भी खांसी लगी हुई थी, अब ठीक हो गई है। अब हमें खांसी नहीं होती। यार तुम लोग इतनी बेवकूफ हो या महज बनती हो? ट्रेन रूम में बीन बज रही है। चलो नादन डांस करें। चलो चलो चलो। आए हो ना शबे इंतजार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। डियर लिसनर्स, वक्त हुआ आपके खतों का, और इंतजार हो रहा है शहरयार का, जो हस्बे मामूल आज भी गायब है। मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रहीं,
आदत सी पड़ गई है तेरे इंतजार की। डियर लिसनर्स, शहरयार का इंतजार बदस्तूर जारी है और इंतजार के मौजू पर जितने शेर मुझे याद थे वो खत्म हो गए। अगर आप में से किसी को इंतजार के बारे में कोई शेर याद है तो जरूर सुनाएं। मैंने 4 साल तक ये स्टेशन तने तनहा चलाया है। शरीका समझता है कि उसके बगैर ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। नहीं, मैं खत पढ़ता हूँ, तुम जवाब दो। लेकिन सर, जवाब तो शहरिया दिया करता है। अच्छा, तो ठीक है, तुम खत पढ़ो, मैं जवाब देता हूँ। गुलबक फोर से जमील पर साहब लिखते हैं, मैं 4.5 साल से आपका FM स्टेशन इंतहाई जौक और शौक से सुन रहा हूँ। शहर यार उस शहरी मेरे पसंदीदा पेशकार हैं। चुनाचे आपके स्टेशन के बारे में एक अहम सवाल मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, बराहे करम वही इसका जवाब दें। ठहरिए सोफिया, इससे पहले कि आप खत का बकिया हिस्सा पढ़ें, मैं इंसाफ पे ये वाजे कर देना चाहता हूँ। क्या क्या नाम है इनका? मिस्टर जमील भट्ट। हाँ, तो मिस्टर जमील भट्ट साहब, अगर आप शुरू से हमारे साथ हैं तो आपको याद होगा कि ये स्टेशन मेरी आवाज से शुरू हुआ था। ये शहरी तो मेरा मातहत है, बच्चा है, मेरा मतलब है कि अभी ना तजुर्बेकार है। अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो बराह रास्त मुझसे पूछिए, बिकॉज आई एम द बॉस। तो भट्ट साहब पूछते हैं, जिस तरह SW का मतलब शॉर्ट वेव और MW का मतलब मीडियम वेव होता है, इसी तरह FM का भी कोई मतलब होता होगा जो मुझे मालूम नहीं है। FM सुनने वाले मैंने अपने बहुत से दोस्तों से पूछा है लेकिन किसी को भी मालूम नहीं है। मेहरबानी से आप खुद वाजे कीजिए कि ये किस लफ्ज का मुखफ्फ है और FM से क्या बनता है। देखिए, ये मीडियम वेव और शॉर्ट वेव का जमाना नहीं है, ये FM का जमाना है और इस वक्त हमारा स्टेशन FM 107 नंबर 1 जा रहा है। लेकिन बर्ड साहब ने पूछा है FM स्टैंड्स फॉर व्हाट, FM का मतलब क्या है? ये हमारे रेडियो स्टेशन का नाम है, जैसे लोगों के नाम होते हैं SM अनवर, सैयद मोहम्मद अनवर, BA कुरैशी, बशीर अहमद कुरैशी और FM ख्वाजा फजल महमूद ख्वाजा। तो FM का मतलब हुआ फजल महमूद? नहीं नहीं नहीं, मैं तो मिसाल दे रहा था, नाम तो कुछ भी हो सकता है, नाम से क्या फर्क पड़ता है। जैसे गुलाब का नाम गंडेरी रख दिया जाए तो उसकी खुशबू तो नहीं बदल जाएगी ना। इसीलिए आप नाम पे ना जाइए भट्ट साहब, काम देखिए काम। तो जमील भट्ट साहब, आपने इतना आसान सवाल पूछा है कि उसका जवाब हमारे PN को भी आता है, तो आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं याकूब बुलबुला। देखिए जी, F का मतलब है फास्ट और M का मतलब है कि म्यूजिक, FM का मतलब है कि फास्ट म्यूजिक। म्यूजिक तो हमारा पहले ही बड़ा तेज है, जरा ये तेजी देखे की लोहार की तरहान की अराई की अवान की करे चिमाड़ थान की लाहौर को चौहान गुजराती मार तबान लैलपुर दे कसान खोचे होती मर दाने कराए दी दुकान कराए दे मकान ए नफा नुकसान ए तेरी आन बान यानी कुल इंसान मंगे हर इंसान रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा मेरी जान को जो वक्त दे दौरान ना तो परेशान आखिर जाना कब छान कोटा चमन ते अरान सब पानी का बुलबुला। पानी का बुलबुला, ओ हो हो पानी का बुलबुला, आ हा हा पानी का बुलबुला, ओ हो हो पानी का बुलबुला, पानी का। तो याद हो गई यार, तुम्हारे यहाँ किसी को FM का मतलब ही मालूम नहीं। हाँ यार, वाकई डूब मरने का मतलब है, यानी FM का मतलब ही नहीं पता। वैसे ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? अगर तू ड्यूटी पे मौजूद होता ना, इस सारा कंफ्यूजन कभी ना फैलता। यार मैं तो सोचता हूँ कि अब वहां जाऊं तो बशीर बिस्मिल की कुर्सी पर बैठूं। क्यों, अपनी कुर्सी में कील चुभती है तुझे? यार वो करता करा था कुछ भी नहीं और मालिक बना बैठा है। मालिक तो वो है, वैसे करता करा था तू भी कुछ नहीं है। और अगर काम की क्वांटिटी पे फैसला होना है तो स्टेशन मैनेजर का ओहदा सूफिया के पास होना चाहिए, बेचारी 24-24 घंटे वहां फंसी रहती है। अच्छा, आजकल वैसे सूफिया से बड़ी हमदर्दी जता रहे हो, कहीं उसके साथ कनाडा भागने का प्रोग्राम तो नहीं बना लिया?